दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, काफी दिनों से मैं आपको रुड़की शहर के काफी चीजें दिखा रहा हूँ, काफी अच्छी अच्छी चीजें, आपको काफी मजा भी आ रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और आज फिर से मैं आपके सामने एक ऐसी चीज लेके आया हूँ जो कि 200 साल से भी पहले का अस्तित्व रखती है अपना। और ये वीडियो थोड़ी सीरियस होने वाली है, तो इस वीडियो को प्लीज एक बार एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो ये अपने सामने पेड़ देख रहे हो, ये लगभग 200 साल से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है और काफ़ी बड़ा पेड़ है, काफ़ी विशाल पेड़ है ये। अपने आसपास देख सकते हो आप, मतलब जो इसकी टहनियाँ हैं वो इस बाउंड्री से भी बाहर जा रही हैं। और ये जो ऊपर से नीचे बेल लटक रही है, काफ़ी घनी और मोटी बेलें हैं। और आपको मैं बता दूँ, जब भारत में पहली बार क्रांति की जो लपटें उठी थी 1857 में, उससे पहले 1824 में यहाँ पे एक क्रांति की चिंगारी उठी थी, जिसमें लगभग 200 से भी ज़्यादा जो क्रांतिकारी थे उन्हें यहाँ पे लटकाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज़ों ने उन्हें यहाँ पे ही फांसी की सज़ा दी थी इसी पेड़ पर, और लगभग 200 तक क्रांतिकारी फांसी खाकर यहाँ पे मर गए थे। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पे माड़ी बनाई गई है। जिन्हें नहीं पता माड़ी क्या होती है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है। जितने भी हमारे क्रांतिकारी वीर इस जगह पर फांसी खाकर मरे थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे उनके लिए स्मारक भी बनाई गई है। ये है वो स्मारक, जय हिंद करके शहीद स्मारक लिखा है इसके ऊपर। और आप आइडिया लगा सकते हो इस वीडियो से कि कितना विशाल पेड़ है ये, कि इसमें 200 आदमियों को फांसी दी गई थी एक साथ नहीं, मतलब पूरे टोटल मिला के कहते हैं ऐसे कि 200 आदमियों के यहाँ पे फांसी दी गई थी। और ये जो पेड़ है ये लगभग 250 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और इस पेड़ को इसीलिए इस पूरी रुड़की में जाना जाता है। और दोस्तों, जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पे इसलिए भी आते हैं कि जो हमारे जवान मरे थे, जो भी हमारे क्रांतिकारी वीर मरे थे यहाँ पर, उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए, उन सबकी पूजा करने के लिए यहाँ पे आसपास की औरतें और आदमी आते हैं यहाँ पे। इतना भयानक रहा होगा उस टाइम का दृश्य, आप सोच ही सकते हैं जब उन्हें यहाँ पे फांसी पे लटकाया गया होगा। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ पे जिस खुंटी पे उन्हें लटकाया जाता था, वो खुंटी आज भी इस पेड़ में मौजूद है। आपको पता ही होगा कि जब भी किसी चीज़ को पेड़ पे लटकाते हैं और काफ़ी टाइम के लिए पेड़ पे लटकी रह जाती है, तो पेड़ उसे अपने अंदर समा लेता है। तो ऐसे ही इसके साथ ही भी हुआ, यहाँ पे अंदर इस पेड़ के अंदर वो 200 साल पुरानी 1824 की खुंटियाँ आज भी मौजूद है, जिस पे हमारे क्रांतिकारियों को लटकाया गया था। अब आजकल यहाँ पे साइड में ग्राउंड है, तो वहाँ पे शाम को बच्चे खेलने आते हैं क्रिकेट और फुटबॉल। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये था वो हमारा हिस्टोरिक पेड़। और अगर अभी भी आपको इस पेड़ के बारे में कुछ भी जानना हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना आप, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे सेफ।